वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे इंडाइजेशन के बारे में, चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक इंडाइजेशन का एक मेन जो रीज़न होता है वो अक्सर ये है कि हम लोग बहुत देर से डिनर जो है हमारा वो काफ़ी लेट होता है और इसके कारण से इंडाइजेशन होता है। तो एक चीज़ आप करें कि सोने से लगभग 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए और डिनर करने के बाद कम से कम 500 कदम आप चलें तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं आप, 2.5 से 3 लीटर पानी। ज़्यादा पानी आपको दिन में पीना है, रात में थोड़ा कम पानी पिएं, क्योंकि अगर आपने दिन में ज़्यादा पानी पिया है तो जो आपका एसिड बनता है बॉडी में वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। खाने के साथ 33% जो आपका फूड होता है वो अगर सैलड होगा तो आपके शरीर को फाइबर मिलेगा, ढेर सारा अगर फाइबर जाता है, विटामिन जाते हैं, तो जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो क्या करना, थोड़ी सी सौंफ ले लें, 1 चम्मच सौंफ लेकर हल्का सा भूनकर और अपने पास रखें। जब भी आप कुछ खाते हैं ये सौंफ चबा लें, या इसका पाउडर बनाकर पानी के साथ इस पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल भी अपने पास सौंफ रखें। कुछ भी अगर आप खाते हैं उसके बाद थोड़ी सी सौंफ अगर आप चबाते हैं तो सलाइवा निकलता है और जो सौंफ के डाइजेस्टिव एंजाइम है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक रखते हैं और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होने देते। इसी तरह से इंडाइजेशन में अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। हिंदुस्तान में तो पारंपरिक तौर पर अजवाइन का प्रयोग किया जाता है अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो। अगर आपने कभी भी बहुत हैवी खाना खा लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच अजवाइन चबा लेना है। तो ये जो हैवी खाना है वो आपके स्टमक पर जो बुरे प्रभाव डालेगा ये अजवाइन जो है उन बुरे प्रभावों को खत्म कर देती है। या आप एक अल्टरनेट तरीका अपना सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, उसको हल्का सा भून लें और उसमें सौंठ मिला दें और इसको पीस लेना है, महीन पाउडर बना लें और ये पाउडर 1/2 चम्मच 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार अगर आप सेवन करेंगे तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से बेकिंग सोडा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो स्टमक में एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। बेकिंग सोडा हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, 1/2 चम्मच सोडा 1 ग्लास पानी में घोलकर आपको इसका सेवन करना है। ये जो बेकिंग सोडा होता है वो स्टमक का एटमॉस्फेयर एल्कलाइन करता है और जब हमने ज़्यादा हैवी स्पाइसी फूड खाया होता है तो स्टमक का एटमॉस्फेयर एसिडिक होता है, तो एसिड और एल्कलाइन दोनों मिलकर क्या करते हैं, मिनरल और वाटर बना देते हैं, यानी कि हमारा जो एसिड के कुप्रभाव हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से एक और बड़ी आसान सी रेमेडी है वो है जीरा। जीरा जो होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम का सीक्रेशन बढ़ाता है जो कि डाइजेशन में बहुत मददगार होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जीरा लेना है और उसको पीस के उसका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर में आप चाहें तो अगर 3 चम्मच जैसे आपके पास ये पाउडर है उसमें 1/2 चम्मच आप काली मिर्च का पाउडर मिला लें और ये जो पाउडर तैयार हो गया है 1/2 चम्मच आप गर्म पानी में घोलकर इसका सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार, या आप इसको दूध में भी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो थे ना बिल्कुल आसान आसान से उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।